फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे यूट्यूब में चैनल कैसे बनाते हैं और उस गूगल को एडसेंस के थ्रू, गूगल एडसेंस के थ्रू कैसे मोनेटाइज करते हैं। यूट्यूब चैनल बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट थिंग है वैलिड जीमेल आईडी, यू कैन से जीमेल अकाउंट, जो मेरे पास ऑलरेडी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप चाहें तो नया बना सकते हैं। और उसके बाद हम ये जो हम लोग टैब देख रहे हैं साइन इन का, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही एक नई स्क्रीन खुल जाएगी जो हमसे हमारे गूगल अकाउंट के बारे में डिटेल मांगेगा। मेरे पास पहले से एक अकाउंट है तो मैं उसमें अपना पुराना अकाउंट डाल देता हूँ। आई थिंक ये मेरा अकाउंट डिस्कवर नहीं कर पा रहा है, वेट अ मिनट, या गॉट इट नाउ। पासवर्ड एंटर करेंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद जैसे ही हम लोग एंटर कर देंगे, हम लोग देखेंगे कि ये हम लोगों को एक ऐसी स्क्रीन की तरफ रिडायरेक्ट कर देगा YouTube की, जहाँ पर यहाँ पर हमारा ये दिखने लगेगा। ये देखिए, यहाँ पर एक पिक टाइप का आने लगा। ये जो पिक टाइप का है, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। और यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन देखिए, क्रिएटर स्टूडियो, इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारा चैनल का कह सकते हैं बिगिनिंग फेज है। यहाँ पर हम क्रिएटर चैनल क्लिक करके क्रिएटर अपना एक नया चैनल बना सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। यहाँ पर आइए और क्रिएटर चैनल पर क्लिक कर दीजिए। अब ये आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है, यूज़ यूट्यूब एज। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपना नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना प्रदीप दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो अपना नाम दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका कुछ और नाम रखा जाए, तो यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे लिंक, यूज़ अ बिजनेस और अदर नेम, यहाँ पर क्लिक करेंगे हम। तो हमसे पूछेगा क्या नाम रखना चाहते हैं आप अपने अकाउंट का। तो मान लीजिए मैं इसका नाम देना चाहता हूँ, ओनली फॉर फन। हमने अपने चैनल का नाम ओनली फॉर फन रख दिया। और देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा, हमारा चैनल बनकर तैयार हो जाएगा। रिडायरेक्ट हो रहा है, आराम से वेट करेंगे। देखिए हमारा ये हो चुका है काम, चैनल बना चुके हैं हम लोग। अब बारी आती है इसको मोनेटराइज कैसे करें। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर दे रहा है, यू हैव एडेड अ चैनल टू योर अकाउंट। इसका मतलब है आपका चैनल रेडी है। बट इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप करना चाहते हैं तो मोनेटाइज करना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है चैनल पे। अब देखिए यहाँ पे ये जो दे रहा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वेरीफाई का एक ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। ये पूछेगा कि आप कैसे चाहते हैं, टेक्स्ट से या कॉल से। तो आप जैसे ही टेक्स्ट में द वेरिफिकेशन कोड करेंगे और अपना फ़ोन नंबर देंगे, तो यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, वहाँ पर आप लोग अपना दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। आप जैसे ही अपना नंबर देंगे तो आपके पास एक टेक्स्ट आ जाएगा, OTP जिसे बोलते हैं हम लोग। सबका OTP अलग अलग आता है, तो आपके मोबाइल में जो आया वही डालें बेस्ट होगा। मेरा आ गया है, मैं फिल कर देता हूँ 56। ये देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया है कि हमारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू में आके क्लिक कर देंगे। ये देखिए ये हमारा स्टेटस दिखा रहा है अकाउंट का, ये हम लोगों का स्टेटस होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं इसके मेन ऑप्शन पे, जिसे हम लोग बोलते हैं मोनेटराइजेशन, जो कि इनविजिबल है अगर आप अभी आप देख पाए तो। यहाँ पर इसके लिए हम लोग आएंगे पहले चूज़ योर कंट्री लोकेशन, ताकि हम लोग इसके लिए एलिजिबल हो सके। तो उसके लिए पहले हमें कंट्री चूज़ करनी होगी। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, पूछेगा आप किस कंट्री से हैं, तो हम लोग डाल देते हैं इंडिया। ये देखिए जैसे ही मैंने डाल दिया, इसके बाद और कुछ नहीं करना हमें, लास्ट में आके हमें सेव कर देना है इसे।
चैनल कीवर्ड मांग रहा है, सॉरी मैंने नहीं डाला कीवर्ड, यहाँ पर मान लीजिए हम लोग डाल देते हैं ओनली फॉर फन, जो कि हम लोगों के चैनल का नाम है, कोई भी मैटर नहीं है, कीवर्ड में आप कुछ भी डाल सकते हैं, वो आपके विश पे है। यहाँ पर देखिए सबसे मेन चीज़ है, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आपकी वेबसाइट की वेबसाइट मांग रहा है, और विदाउट वेबसाइट हम लोग नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट अभी हम लोगों के पास है नहीं, हम लोग लर्न मोर पे जाएंगे और वापस उसी स्क्रीन पे आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो उठा लेगा, इसने नहीं उठाया, वेट। ये देखिए जैसे ही हम लोग स्क्रीन पे वापस आए हैं वहाँ से, तो हम लोगों को इसने एलिजिबल दिखा दिया है, मतलब हम लोग अब मोनेटाइजेशन करने के लिए इनेबल हैं। उस स्क्रीन में हमें कुछ नहीं करना था, हम लोगों को बस जाना था, उसको सेव करना था, जैसे ही हम लोग कंट्री सेव करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा इनेबल का, इनेबल में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे आपको स्टेपल स्टेप्स दिख जाएंगे मोनेटाइजेशन के। इसको करने के लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट करना होगा रीड एंड अग्रीड टर्म्स, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है यूट्यूब के, जो कि नॉर्मली हम लोगों को एक्सेप्ट करने ही होते हैं, अगर नहीं एक्सेप्ट करते तो हम लोग चैनल नहीं बना सकते, बाकी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैंने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया है, अब हम लोग सेकेंड स्टेप में आते हैं, साइन अप फॉर एडसेंस, दैट इज गूगल एडसेंस। इसके लिए हम लोगों को स्टार्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा हमारे जीमेल अकाउंट के बारे में, जो कि हम लोग पहले ही बना चुके हैं, या जिससे हम लोगों ने वो किया था, क्या बोलते हैं, साइन इन किया था, वही अकाउंट यहाँ पर दोबारा डाला जाएगा। आप नेक्स्ट बटन को जैसे ही दबाएंगे आपको उस स्क्रीन में ले जाएगा जहाँ पर हमें पूरी डिटेल डाली, ये देखिए ये रहा मेरा अकाउंट, मैंने जैसे ही इसमें क्लिक किया उसने बाकी की इंफॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट उठा ली, और ये देखिए ये गूगल एडसेंस का पेज मेरा खुल चुका है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो क्लिक कर सकते हैं, यहाँ कंट्री पूछेगा आपका, ऑब्वियस सी बात है आपने कंट्री देनी है, फिर से आपके पास टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे आपके सामने जो आपको एक्सेप्ट करने होंगे, और यहाँ पर आप ये नो या यस कर सकते हैं, ये आपकी चीज़ उस पर है, बट आप यस कर दें तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। अब यहाँ से आके हम लोग क्रिएट अकाउंट कर देते हैं गूगल एडसेंस पर, जैसे ही हम लोग क्लिक कर देंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमारा अकाउंट बन चुका है, ये देखिए हमारा अकाउंट आ चुका है। अब यहाँ से हम लोग गेट स्टार्टेड कर देंगे, अब वो हम लोगों से हमारी डिटेल पूछेगा, अकाउंट टाइप मैंने इंडिविजुअल कर रखा है, अगर आपका बिजनेस टाइप हो तो आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन अब मेरा इंडिविजुअल टाइप है तो मैं इंडिविजुअल पे जाऊंगा। ये रहा नाम मेरा, यहाँ पे एड्रेस पूछेगा, यहाँ पे मैं अपना एड्रेस दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो अपना एड्रेस दे सकते हैं, मैं यहाँ कुछ भी डाल रहा हूँ तो आप मेरे एड्रेस को नहीं डालेंगे, आप जो भी चाहें अपना डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने आधी डिटेल डाल दी हैं, अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सारी डिटेल्स डालने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे अपने फ़ोन नंबर के साथ, ये डिटेल्स आप सही डालिएगा क्योंकि गूगल एडसेंस आपसे इसके बाद कांटेक्ट करेगा, आपको लेटर्स भेजेगा। जैसे ही आप सबमिट क्लिक करते हैं, ये देखिए पेमेंट एड्रेस डिटेल चली गई है, आप OTP फिर से एक बार शायद आएगा, अगर रिडायरेक्ट आपको नहीं करता है दूसरी स्क्रीन में तो आप यहाँ रिडायरेक्ट के बटन पे क्लिक कर सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, मैं वेट कर रहा हूँ देखिए आप, और ये देखिए मेरी स्क्रीन को रिडायरेक्ट कर रहा है, ये रिडायरेक्ट कर दिया उसने। अब यहाँ पे हमसे पूछेगा सेट मोनेटाइजेशन प्रेफरेंस, इसमें हम लोगों को ये बताना है कि हम लोगों को किस टाइप के एड्स, या मतलब कह सकते हैं कि कैसे एड्स हम लोगों को दिखाने हैं अपने वीडियोज़ में, तो ये देखिए तीन ये जितने भी बाई डिफ़ॉल्ट है सब ओके हो रखे हैं, हम इसको बस जाके सेव कर देंगे, ये हमने सेव कर दिया, ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब इट इज़ द फाइनल स्टेप्स, अपॉन रीचिंग 10,000 व्यूज योर चैनल इज ऑटोमेटिकली रिव्यूड टू मेक श्योर इट कंपाइल्स विद यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स एंड आवर कम्युनिटी गाइडलाइन, वी विल ईमेल योर यू अ डिसीजन यूजुअली विद इन अ वीक।
तो जैसे ही आप कोई वीडियो डालते हैं उसमें 10,000 व्यूज़ आएंगे, आपका मतलब चैनल जो भी है वो अप्रूव हो जाएगा और आप अर्निंग के लिए लायबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोगों ने एक वीडियो बनाया, पहले चैनल बनाया, फिर उसके चैनल में वीडियो अपलोड किया, देन उस अकाउंट को, अपने चैनल को हमने गूगल एडसेंस से जोड़ दिया, और लास्ट में हम लोग जोड़ने के बाद वेट करना है। वेट करते कुछ दिनों बाद आपके पास गूगल एडसेंस या यूट्यूब जो भी है आपको मैसेज करेगा कि आपका 10,000 व्यूज़ हो चुके हैं, और देन डिसीजन इज देयर्स। अगर वो फॉलो करते हैं आपको तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको दोबारा ट्राई करना होगा। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे को मैसेज में ज़रूर बताएं। थैंक्स, थैंक यू।